इतना मारा है उसको, पूरे अंग तोड़ दिए, सर फाड़ दिया, ट्रैक्टर का पहिया चला दिया, और बोलते डॉक्टर बोलते इंजुरी नहीं है। बताओ, एक आध दिन डॉक्टरों का ऐसा प्रोसिक्यूशन करवाऊंगा कि ये मेडिकल प्रैक्टिस भूल जाएंगे। ये इतनी दुष्टता की पराकाष्ठा पे पहुंच रहे हैं ये लोग, जिसका कोई हिसाब नहीं। बेईमान नंबर एक रिकॉर्ड है ये डॉक्टर की एविडेंस, उससे बड़ा मूर्ख कोई डॉक्टर नहीं है जो ये बोले कि सर के ऊपर से ट्रैक्टर का पहिया चढ़ जाए, इंजरी ना हो। भाई इनका बयान तो ये भी हो सकता है ना, अगर आंख ही बाहर निकल आवे, हाथ बाहर निकल आवे, वो इंजरी थोड़ो है। वो तो उसने तो बचा के मारा कि पूरी सही आंख बाहर आ गई। आए कहे के लिए हो? आरोपी बलवीर सिंह, रामस्वरूप सिंह, कल्याण सिंह, जंगल सिंह, भगवान सिंह लाठी तथा रविंद्र सिंह कटलिए मिले थे, एवं आरोपी बलवीर ने लाठी से मोटरसाइकिल चालक मृतक राजेंद्र सिंह के सिर में मारा था। शंकर सिंह ने घटना के बारे में बताया, जब तीनों घटना स्थल पर पहुंचे तो आरोपी गण ने उन्हें देखकर भाग गए थे। उस समय मृतक राजेंद्र सिंह की मृत्यु हो चुकी थी, उसके सिर में बहुत चोटें आकर सिर कुचला हुआ था। आरोपी प्रीतम सिंह ने राजेंद्र सिंह के सिर पर ऊपर से ट्रैक्टर का पहिया भी निकालकर कुचल दिया था। आरोपी प्रीतम सिंह ने ट्रैक्टर का पहिया भी उसके सिर पर कुचल कर निकाल दिया था। ताकि जितना कुछ बच्चा वो भी निकल जाए। जब कभी पहिया से आदमी सर कुचले तो उसमें इंजरी बताओ कितनी लगेगी? कोई डॉक्टर से पूछ के आओ। अगर ट्रक का पहिया चढ़ जाए किसी के सर के ऊपर से तो उसमें इंजरी कैसे गिनेगा वो? यानी तुम लोग की बहस का भी कोई जवाब नहीं है। नहीं सर, ऑन रिकॉर्ड है ये डॉक्टर की एविडेंस, उससे बड़ा मूर्ख कोई डॉक्टर नहीं है नहीं, वो सर, जो ये बोले कि सर के ऊपर से ट्रैक्टर का पहिया चढ़ जाए इंजरी ना हो। नहीं है सर, वो उसकी ट्रैक्टर की नहीं है सर। अरे महाराज, जब जब उसके सर में लठ पड़ रहा है, जब उसके सर में टापलिक पड़ रही है, गिर के सर फट गया है, अब फटे हुए सर में अगर ट्रैक्टर का पहिया चल जाएगा तो क्या इंजरी गिनेगा उसमें? कहाँ इंजरी है? राइट आई बाहर आ गई। वो इंजरी थोड़ा कहलाएगी वो? नहीं सर, मेरा भाई इनका बयान तो ये भी हो सकता है ना, अगर आंख ही बाहर निकल आवे, हाथ बाहर निकल आवे, वो इंजरी थोड़ो है। वो तो उसने तो बचा के मारा कि पूरी सही आंख बाहर आ गई। अगर पूरी आंख बाहर निकल आवे किसी के मारने से और उसमें छेद ना हो तो इंजरी कहाँ हुई? यही बहस होती है ना आजकल, बेकार की बात करते हो तुम लोग। यानी पहले उसको लठ मार दिया, फिर टापलिक मार दिया, सर फट गया उसका, फिर बोले कुछ बच गया और चिपका दे उसको, तो चढ़ा दिए उसके ऊपर पहिया। एक आध दिन डॉक्टरों का ऐसा प्रोसिक्यूशन करवाऊंगा कि ये मेडिकल प्रैक्टिस भूल जाएंगे। ये इतनी दुष्टता की पराकाष्ठा पे पहुंच रहे हैं ये लोग, जिसका कोई हिसाब नहीं। बेईमान नंबर एक, यानी आप सोचिए कि आदमी का सर कुछ फट गया, कुचल दिया, बोलता इंजरी नहीं है उस पर, बेईमान डॉक्टर है? रह जाओ, प्रीतम सिंह को देखते हैं, एक आदमी प्रीतम सिंह छुड़वाते हैं, जरवाओ जब प्रीतम सिंह को डॉक्टर की और उसकी एविडेंस देख ले सर, बिल्कुल भी उनके द्वारा लाठी से, हमारे द्वारा टापले से कोई इंजरी नहीं। प्रीतम सिंह प्रीतम सिंह हो, प्रीतम सिंह है। प्रीतम सिंह के बारे में एक्टर इतना कहा है, ट्रैक्टर यही चलाया है ना, चढ़ा के कर दिया है। प्रीतम सिंह तो गए, इतना मारा है उसको, पूरे अंग तोड़ दिए, सर फाड़ दिया, ट्रैक्टर का पहिया चला दिया, और बोलते डॉक्टर बोलते इंजुरी नहीं है। बताओ, राइट आई बाहर आ गई, बोलते कर आँख ही बाहर आना इंजुरी नहीं कराएगी ना। ये तो बड़े तरीके से उन्होंने मारा, ऐसा जैसे वो बिलियर्ड्स में नहीं होता कि एक शॉट मारा तो उन्होंने बस वाइट बॉल रेड टच करती हुई निकल गई और रेड बॉल डिप हो गई, पॉकेट हो गई। वो इतने अच्छे तरीके से मारा कि आँखें दोनों बाहर निकला हुआ, ताकि उसका इस्तेमाल कर सकें। ये जो जिसने सर में लठ मारा है और टॉपलिक मारी, को बेल दे दिया क्या? जिन्होंने लाठियों से मारा है उनकी बेल हो गई। हम जाओ ऑर्डर दिखा दू लाठी वाले नहीं कर नया केस लगा, उसका कचूमर बना दिया आप लोगों ने आदमी का। तो हाँ, तुम तो वहाँ पे उसकी पूजा करने गए थे ना,
सब ने मिल के मारा है उसको। हाँ तो हुआ है, जिन्होंने जिनके खिलाफ ऑमनीबस उनको मिला है बस, जिनके पास स्पेसिफिक एलिगेशन उनको नहीं मिला है। फिर ऑर्डर चाहिए ऑर्डर दिखा दूँ? नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे ब्रूटल मर्डर नहीं है सर, ऐसा है नहीं। आप तो फूल बरसाए उसके ऊपर ना, ऐसा नहीं है साहब। वो तो अपनी प्राकृतिक मौत मरा है। हम लोग वहाँ से जा रहे थे, क्या करते छू नहीं पा रहे तो लाठी से मार के छू लिया उसको। उससे पूछो परिवार जिसके आदमी को तुमने ख़त्म कर दिया है, जिसका जो एक सोल बेड अर्नर था वो ख़त्म हो गया वहाँ से, उस परिवार की क्या हाल समझ में आई? तुम्हें नहीं आई अभी तक? अब कैसा लग रहा है जेल के अंदर? जो करते हो तुम लोग उसका भुगत रहे हो, उसी का नतीजा।